हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी मैथ्स का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35। तो चलिए बच्चों देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाएंगे हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू अंडर रूट 10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखेंगे dx। यहाँ पे एक चीज आपको ना रिमेम्बर करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि हमें करना क्या है कि cos x से गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है और cos x से डिवाइड करना है। बस ये एक स्टेप को आपको इस क्वेश्चन में दिमाग में रखना पड़ेगा। तो इससे क्या बेनिफिट होगा देखिए, यहाँ पे तो ये 10x है और ये cos by sin जो हो जाएगा cot x हो जाएगा, और यहाँ पे cos into cos, ध्यान दो ये cos by sin cot x हो गया और cos into cos जो है कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये dx। अब देखिए इसे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे अंडर रूट 10x इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स जो है sec स्क्वायर एक्स होगा और ये हो जाएगा cot x dx। अब ध्यान देंगे यहां पर हम लोग किसको मानेंगे, तो लेट 10x को हम लोग z मानेंगे। इसको मानने से क्या बेनिफिट होगा कि 10x का डिफरेंसिएशन जो होगा sec स्क्वायर एक्स होगा, इसलिए sec स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा dz बाय dx। देयरफोर आप इसे लिख सकते हो sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dz, देयरफोर आई इज इक्वल टू, ध्यान देंगे यहाँ पे 10x को तो हम लोग अंडर रूट z लिख देंगे, sec स्क्वायर एक्स dx को dz लिखेंगे और यहाँ पे देखो cot x है तो cot x 10 का उल्टा करोगे तो 1/z हो जाएगा। ओके तो इसे क्या किया जाए, आई इज इक्वल टू ध्यान देंगे रूट जेड अपॉन जेड, रूट जेड अपॉन जेड और डी जेड इसे लिखेंगे। आप इसे क्या करो, रूट जेड को जेड में डिवाइड करो तो रूट जेड बचेगा तो 1/√z डी जेड हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे रूट जेड है, हम लोग रूट जेड 1/√z को क्या लिख सकते हैं, जेड टू द पावर -1/2 डी जेड, और यहाँ पे -1/2+1 डिवाइडेड बाय -1/2+ क्या होगा 1। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, जेड टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 1 में से हाफ घटाओगे तो 1/2 होगा, तो 2z^(1/2), तो 2√z बराबर 2√z। √z कहने का मतलब √10x हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और इंटीग्रल कांस्टेंट c जोड़ेंगे क्योंकि ये इंटीग्रेशन आपका इंडेफिनिट है। ओके चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 में ध्यान देंगे i इज इक्वल टू 1 + log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स। ओके तो इसे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर किसे मानेंगे, तो लेट 1 + log x को जेड मान लेते हैं। इसको मानने से बेनिफिट क्या होगा कि 1 का डिफरेंसिएशन 0 होगा और log x का डिफरेंसिएशन 1/x होगा। तो यहाँ पे आप डिफरेंसिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा 1 का 0, log x का 1/x और इधर हो जाएगा dz बाय dx, इसलिए आप इसको लिख सकते हो dx बाय x बराबर dz। अब देखो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, i इज इक्वल टू ऊपर में तो 1 + log x को z माने हैं तो ये z स्क्वायर हो जाएगा और dx बाय x जो है dz होगा। तो आप इसे लिख सकते हो 2 + 1 / 2 + 1, तो 1/3z³, तो 1/3z का देखो वैल्यू हम लोग डाल देंगे 1 + log x^3 और प्लस c। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 और 35 बनाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके थैंक यू।